गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है 30 डेज 30 गेम चैलेंज में। और गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं जिम सिम्युलेटर। तो सामने हमारा एक खतरनाक सा जिम है सेल पर, और गाइस इस जिम को भी हम खरीदने वाले हैं जो कि है $5,000 का। मेरे पास 15,000 है, तो इसको अपन यहाँ पर खरीद लेते हैं। और आप देख सकते हो हमने ये जिम खरीद लिया है, और अभी हम इस जिम का नाम रखने वाले, तो मैं इसका नाम रखूंगा शकुनी मामा जिम। कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। इसका थोड़ा साइज भी यहाँ पर बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा दूर दूर भी कर देते हैं। कितना ज्यादा बढ़िया ये ऑलरेडी लगने लग चुका है। और इसका हम कलर इसका करेंगे, कलर में इसका करने वाला हूँ रेड। और गाइस इसका लोगो भी बिल्कुल रेड लगेगा। बड़ा सा लोगो यहाँ पर लगा देते हैं और अप्लाई यहाँ पर कर देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो शकुनी मामा जिम में आप सबका स्वागत है। फटाफट से चलेंगे यहाँ पर कि सारे के सारे पेपर अपने यहाँ से हटाने पड़ेंगे ताकि अपना जिम सब लोगों को दिखने लग जाए। यहाँ से भी हटा देंगे, यहाँ से भी हटा देंगे। तो कांच हमने यहाँ पर पूरे क्लियर कर दिए, और इधर भी कट देते हैं और इधर भी कट देते हैं। लेट्स गो, कांच हमारे बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ से हमें कचरा वचरा भी उठाने, तो फटाफट से इसको लेकर जाएंगे और डस्टबिन में फेंक देंगे। फटाफट से सारा का सारा कचरा अपने जिम में से खाली करते हैं ताकि अपना जिम हो जाए एकदम क्लीन। और गाइस आज इस जिम को हम बिल्कुल पूरा वर्किंग जिम बनाने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा खाली पड़ा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पर गाइस आज वीडियो के एंड तक ये जिम होगा पूरा वर्किंग जिम, और इस जिम से हम कमाने वाले हैं बहुत सारा पैसा। तो फटाफट से सारा का सारा कचरा उठाते जाते हैं और फेंकते जाते हैं बाहर। और गाइस यहाँ पे हमें थोड़ा झाड़ू पोछा भी अपना करना पड़ेगा। यहाँ पर किसी न किसी के तो फुटप्रिंट है, इनको भी फटाफट से साफ कर देते हैं। और कहीं पर है क्या बाथरूम? बाथरूम में भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर तो अभी कुछ भी नहीं है, पूरा टॉयलेट भी सब के सब खाली लगे पड़े हैं। तो गाइस हमने अपना जिम तो यहाँ पर पूरा का पूरा साफ कर दिया है। और यहाँ पर ये डिओड्रेंट किसने रख रखी है, इसको यहाँ पर फटाफट से रख देंगे। अभी हम जाएंगे अपने कंप्यूटर में, और हमें चाहिए अपने लिए थोड़े से इक्विपमेंट्स, तो यहाँ पर जाएंगे जिम। अभी आप देख सकते हो हम यहाँ पर शॉप में आ चुके हैं, और यहाँ पर है बहुत सारी चीजें जो कि हमें जिम के लिए चाहिए होगी। मेरे पास $10,000 है, तो $700 की बेंच प्रेस यहाँ पर मिलने वाली है। तो जो मेन चीज होती है ना, उनको यहाँ पर हमें खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक डंबल स्टैंड, और यहाँ पर हमें चाहिए एक ट्रेडमिल भी चाहिए होगा, और एक बाइसाइकिल भी तो चाहिए, और यहाँ पर एक योगा मैट भी तो चाहिए, और बेंच प्रेस भी चाहिए, लैट पुल डाउन भी चाहिए। एक काम करते हैं सबका सब मंगवा लेते हैं। और गाइस अभी हम जाने वाले लॉकर रूम के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हो बेंच है, चेंजिंग क्यूबिकल है, लॉक कैबिनेट है। तो ये चीजें सही में बहुत ही ज्यादा महंगी महंगी है, पर फटाफट से इनको भी यहाँ पर मंगवा लेते हैं। डेकोरेशन अभी कुछ चाहिए नहीं, टाइल्स नहीं चाहिए, पेंट्स नहीं चाहिए, ट्रैश कैन में यहाँ पर मंगवा लेता हूँ दो। लेट्स गो, ये सबका सब डन हो चुका है। वैसे डेकोरेशन है क्या? तो गाइस अभी हमने सारा का सारा सामान यहाँ पर खरीद लिया है, और मेरे पास सिर्फ $1,000 यहाँ पर बचे। तो अभी अपन जाएंगे यहाँ पर, और फटाफट से यहाँ पर अपन सेलेक्ट करने वाले डंबल स्टैंड। और डंबल स्टैंड को यहाँ पर कहाँ पर रखा जाए? डंबल स्टैंड यहाँ पर सही रहेगा, तो इसको यहाँ पर अभी हमने लगा दिया है। और अब हम लेंगे यहाँ पर बेंच प्रेस, बेंच प्रेस को इसके यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर ये बढ़िया लगेगी। और अब हम लेंगे यहाँ पर लैट पुल डाउन की मशीन, और इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो आप देख सकते हो डंबल स्टैंड लग गया, बेंच प्रेस यहाँ पर लग गई, और लैट पुल डाउन भी यहाँ पर लग चुकी है। कार्डियो एरिया जो होने वाला है वो यहाँ पर बनाने वाला, तो फटाफट से इधर लगा देंगे इसको, और ट्रेडमिल लेके इसको यहाँ पर लगा देते हैं। ये बिल्कुल सही है, ट्रेडमिल की हालत इतनी खराब क्यों है? जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हमें नई नई चीजें मिलने वाली है, उसके बाद ही हम अच्छी अच्छी चीजें लगा पाएंगे। और योगा मैट एक काम करते हैं यहाँ पर लगा देते, जिसको भी यहाँ पर योगा करना वो यहाँ पर कर लेगा। अभी अपन जाएंगे फटाफट से, यहाँ पे हमें चाहिए क्यूबिकल रूम यानी चेंजिंग रूम्स, तो इसको फटाफट से यहाँ पर घुमाकर लगा देते हैं। और यहाँ पर टोटल दो चेंजिंग रूम्स लगने वाले हैं, तो यहाँ पर दोनों चेंजिंग रूम्स यहाँ पर लग चुके हैं। और गाइस हमें यहाँ पर चाहिए ट्रैश कैन भी, तो ट्रैश कैन यहाँ पर लगा देंगे। अब गाइस सेम टू सेम चीज हमें करनी है वुमेन चेंजिंग रूम के साथ, ये दोनों चेंजिंग रूम यहाँ पर भी लगाने पड़ेंगे। मेंस में हमने ऑलरेडी लगा दिया है, और ये वुमेन में भी कंप्लीट हो चुका है। और गाइस जिम हमने यहाँ पर लगभग पूरा सेटअप यहाँ पर कर दिया है। कार्डियो की मशीन लग चुकी है, ये भी मशीनें लग चुकी है, योगा मैट लग चुका है, चेंजिंग रूम हो चुका है, यहाँ पर भी चेंजिंग रूम हो चुका है। और ये क्या, सबसे पहला कस्टमर यहाँ पर आ चुका है। इनको चाहिए स्टैंडर्ड मेंबरशिप, और इनकी आईडी भी यहाँ पर आ चुकी है। तो स्टैंडर्ड मेंबरशिप है $700 की, तो फटाफट से इनको ये ले लेते हैं। इनकी हमने स्टैंडर्ड मेंबरशिप यहाँ पर कर दी है, और ये अंकल जाएंगे चेंजिंग रूम में और आराम से जिम करने वाले। सबसे पहला कस्टमर हमारा यहाँ पर मिल चुका है, $700 हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। तो गाइस अभी मेरे पास यहाँ पर दो लॉकर रूम्स भी पड़े, तो लॉकर रूम भी हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा ताकि सब जने अपना अपना सामान रख सके। तो एक हमने यहाँ पर रख दिया, और एक वुमेन्स वाले में भी रख देते।
एक सेकंड, मेरे पास सिर्फ एक ही था, ये तो ट्रैश कैन मेरे पास जरूर पड़ा है। ट्रैश कैन को यहाँ पर रख देंगे, लाइट्स वाइट्स तो है। और अभी अंकल देखो क्या बढ़िया योगा वोगा कर रहे हैं, और कस्टमर क्यों नहीं आ रहे मुझे समझ आया। ओ अंकल आप तो बढ़िया लग रहे हो, आ जाओ मेरे जिम में आओ, बहुत ही खतरनाक है शकुनी मामा जिम। और कहीं सर हम अपने जिम की एड्स भी लगा सकते हैं, पर उसके लिए हमें $3,000 चाहिए और मेरे पास अभी सिर्फ $1,700 है। और गाइस यहाँ पे अपना अगला कस्टमर भी यहाँ पर आ चुका है, इनको चाहिए स्टैंडर्ड मेंबरशिप, तो फटाफट से यहाँ पर जाएंगे स्टैंडर्ड मेंबरशिप इनको दे देते हैं। और गाइस $2,500 यहाँ पर हमारे पास हो चुके हैं, मुझे चाहिए $3,000 ताकि मैं अपनी एड लगा सकूं, ताकि और भी लोग यहाँ पर आए, तो मुझे एक या दो कस्टमर्स और चाहिए ताकि वो जल्दी जल्दी आए और हम अपने लिए एड लगा पाए। जल्दी जल्दी आ जाए सिर्फ एक और कस्टमर। तो गाइस हम यहाँ देख सकते सामने यहाँ पर एक और ओपन जिम बना हुआ है। तो कैसर अभी हमारे जिम में यहाँ पर एक और कस्टमर आ चुका है, ये दीदी पहली बार यहाँ पर आई है, इनको चाहिए स्टैंडर्ड मेंबरशिप, ये वीआईपी वाली क्यों नहीं ले रहे मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अभी हमने इनको मेंबरशिप इनकी दे दी है, तीन मेंबर्स हमारे पास यहाँ पे हो चुके हैं। और कैसर यहाँ पे सामने एक और जिम बना हुआ है, ये ओपन जिम है, मेरे जिम से ज्यादा तो यहाँ पर चीजें पड़ी है। रुक जाओ अभी हम इसको चैलेंज करते हैं $100 के लिए, लेट्स गो। तो कैसर यहाँ पर अभी हमने इसको चैलेंज कर दिया $100 के लिए, तो यहाँ पर हमें बेंच प्रेस करनी पड़ेगी इससे भी ज्यादा, फटाफट से ये ले मैं जीत के रहूंगा कैसे भी करके, मुझे कैसे भी करके ये चैलेंज जीतना पड़ेगा ताकि मैं जीत सकूं $100। और इनको बताना पड़ेगा कि मेरा जिम तो है पर मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक बॉडी बिल्डर भी हूं, वो अलग बात है उसकी बॉडी मेरे से ज्यादा अच्छी है। और ये क्या, मैं तो हार गया, मेरे को लग रहा है उसने मेरे साथ चीटिंग करी है, वरना मैं हार कैसे सकता हूँ। अभी मैं फटाफट से यहाँ पर चलते और लगता है अगले कस्टमर्स भी अपने पास यहाँ पर आते जा रहे हैं। लेट्स गो, फटाफट से अपने कंप्यूटर पर जाकर बैठ जाते हैं, इनको भी चाहिए स्टैंडर्ड मेंबरशिप और इनको फटाफट से इनकी मेंबरशिप दे देंगे। और कहीं पर तो यहाँ पर कचरा हो चुका है, मुझे इसको साफ कर देना चाहिए, यहाँ पर फटाफट से साफ कर देंगे, हमारे जिम मेंबर्स के लिए सबका सब साफ रहना चाहिए। तो गाइस अब बारी आ चुकी है एड लगाने की, जब तक मैं एड नहीं लगाऊंगा तब तक हमारे पास ज्यादा कस्टमर्स नहीं आएंगे, तो फटाफट से यहाँ पर एड लगा लेते हैं। $3,000 की एड यहाँ पर लग चुकी है, आप देख सकते हो शकुनी मामा जिम, कम टू शकुनी मामा जिम, एड यहाँ पर हमारी लग चुकी है। अब देखो कैसे कस्टमर्स की बारिश होने वाली है, जब तक और देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। तो गाइस सर जब तक हम वापस से आ चुके हैं यहाँ पर एक और चैलेंज करने के लिए $100 के लिए, इस बार तो पक्का मैं ही जीतने वाला हूँ, ये मैं ही जीतूंगा। इसके बिल्कुल बीच में को ढंग से स्पेस दबाना पड़ेगा, उसने अभी तक एक रैप किया, जो भी सबसे पहले 5 बार ये कर लेगा वो ये जीतने वाला है। दोनों के दो दो हो चुके हैं, तो फटाफट से करते 1, 2, 3 और ये 4। और गाइस अभी हम दोनों का 3-3 यहाँ पर हो चुका है, फटाफट से करते हैं ये, मैं जीत के रहूंगा। जब दोनों के 4-4 हो गए, ये 3 और मैं जीत जाऊंगा, मैं जीतने वाला हूँ। और गाइस मैं फिर से हार गया, अगली बार आऊंगा ही नहीं, ये लोग मेरे साथ स्कैम कर रहे हैं, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तो गाइस अभी अपने यहाँ पे जिम में थोड़ा सा कचरा वापस से हो चुका है, इसको थोड़ा सा साफ कर दीजिए। पता नहीं कौन उल्टी कौन करके जा रहा है, उल्टी है या फिर पसीना मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो है। पर यहाँ पर हमारा अगला कस्टमर भी यहाँ पर आ चुका है, फटाफट से देखते हैं, इनको भी स्टैंडर्ड मेंबरशिप चाहिए, वीआईपी मेंबरशिप। मुझे लगता है अपने जिम के इक्विपमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे तभी लेंगे। और ये डंबल कौन फेंक कर चला गया यहाँ पर, इसको फटाफट से उठाकर रख देंगे, ये लोग क्या यार इसको कौन फेंक के जाता डंबल। तो अभी अपन चलते हैं अपने लिए कुछ अपने जिम के लिए और मंगवाते, शॉप पर जाएंगे, इक्विपमेंट्स में जाएंगे। और यहाँ पर अपना अगला कस्टमर यहाँ पर आ चुका है, इनको भी चाहिए स्टैंडर्ड मेंबरशिप इनकी कर देगा। पीछे एक और कस्टमर, क्या ही बढ़िया बढ़िया कस्टमर आते जा रहे हैं, और पीछे एक और कस्टमर, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा तेज हमारी मेंबरशिप मिलती जा रही है, $750 की इनको भी दे देते हैं, और इनको भी स्टैंडर्ड वाली चाहिए, तुम भी ले लो, $4,000 मेरे पास हो चुके हैं और इनको चाहिए स्टैंडर्ड मेंबरशिप, और मेरे पास $5,000 हो चुके हैं। ये तो बहुत ही तेज तेज हमारा पैसा बढ़ता जा रहा है। और ये अंकल तो यहाँ पर महक रहे, मतलब बहुत ही ज्यादा बदबू फैला है, रुक जाओ थोड़ी डिओड्रेंट यहाँ पर लगा देनी चाहिए, ये लो अंकल डिओड्रेंट खाओ। और यहाँ पर डिओड्रेंट अपनी वापस रख देंगे। अब मेरे पास $5,000 हो चुके हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपने लिए एक एड और लगाने वाला हूँ, क्योंकि तो इस बड़ी वाली बिल्डिंग पर भी यहाँ पर एड लगा लेते हैं $3,000 की। अभी मेरे पास $2,000 और बच चुके हैं। तो गाइस सर अभी यहाँ पर इस मशीन को फटाफट से फिक्स कर देते, तो कोई तो गिरा के यहाँ पर चला गया। और गाइस सर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कचरा भी साफ करना है, दीदी थोड़ा सा साइड होना, इसको फटाफट से साफ कर देते हैं। और यहाँ पर हमारा एक और कस्टमर भी आ चुका है, इसको छोड़ो पहले बड़े कस्टमर के पास चलते हैं, इनको भी यहाँ पर चाहिए स्टैंडर्ड मेंबर, लेट्स गो। इनको हमने मेंबरशिप यहाँ पर दे दिए। एक सेकंड, ये अंकल सूट में जिम कर रहे थे, हमने यहाँ पर इनको इनका सामान दे दिया। और यहाँ पर भी कचरा, और गाइस हमें जिम लेना चाहिए बिल्कुल क्लीन, और कहीं पे कचरा मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है।
तो गाइस सर अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों में पसीना आ रहा है, तो बदबू हो रही है हमारे जिम के अंदर, तो हमें सबके ऊपर लगानी पड़ेगी थोड़ी सी डिओड्रेंट। ये लो आंटी पूरी की पूरी डिओड्रेंट, आप ही ले लो, लेते जाओ। अभी ये गुस्सा क्यों हो रही है, ये दे तो रहा हूँ डिओड्रेंट, पता नहीं क्यों ये दोनों गुस्सा यहाँ पर हो जा रही है, पर भी मैं इनको डिओड्रेंट दे जा रहा हूँ। तो गाइस सर हमें चाहिए 250 एक्सपी अपनी लेवल 3 करने के लिए, उसके बाद हम और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर कर पाएंगे। तो अपन वेट करते हैं अपना लेवल 3 होने का, उसके बाद हम और भी चीजें खरीदेंगे। तो गाइस सर अभी आज रात हो चुकी है और हमने अपना सबसे पहला डे यहाँ पर खत्म कर दिया है और हमने अपना जिम भी यहाँ पर क्लोज कर दिया है और अब हम जाने वाले अपने घर पर। तो गाइस सर आज का दिन बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, हम लेवल 3 पर अभी भी नहीं पहुंच पाए, पर अभी हम जाने वाले हैं अपने घर पे। और ये क्या, यहाँ पर ये कुत्ते अभी बैठे। तो गाइस सर इन सारे कुत्तों में से हम एक कुत्ता अडॉप्ट कर सकते हैं, तो कौन सा अडॉप्ट करा जाए, ये पग अडॉप्ट करें या फिर ये थोड़ा प्यारा सा लग रहा है, ये भी प्यारा लग रहा है, सारे के सारे कुत्ते प्यारे लग रहे हैं, पर ये खतरनाक लग रहा है। और यहाँ पर तो ये बुलडॉग है, मैं तो बुलडॉग ही रखूंगा, इसका नाम हम रखने वाले हैं पप्पू। तो अभी आप देख सकते हो हमने इसको अडॉप्ट यहाँ पर कर लिया है और ये अंकल हमें सूंघने भी लग गया है। तो आप देख सकते हो पप्पू हमारे साथ आ चुका है, चलो पप्पू आ जाओ फटाफट से हमारे पीछे पीछे, क्योंकि अभी हम जाने वाले अपने घर पर सोने। ये हमारा घर है बढ़िया सा, यहाँ पर जाकर अपन सो जाएंगे। तो गाइस सर अभी यहाँ पर सुबह हो चुकी है और हम लोग जाने वाले हैं अपने जिम पर वापस। और गाइस सर हम इसको पप्पू को ऐसे बुला सकते हैं सीटी मार मार के, ओ इधर आ। और गाइस सर ये पप्पू हमारे पीछे पीछे जा रहा है और हम अपने जिम में जाएंगे और फटाफट से जिम के डोर्स को ओपन कर देंगे। और मुझे लगता है मुझे ऐसा डॉग फूड भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अब ये मेरे साथ ही रहने वाला है, इसको खाना भी देना पड़ेगा। फटाफट से अपने जिम को कर देते हैं ओपन, लेट्स गो। अभी हम जाएंगे थोड़ा सा डॉग फूड ले लेते हैं अपने कुत्ते के लिए, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर दुकान है बढ़िया सी, इधर से ले लेंगे थोड़ा सा डॉग फूड, लेट्स गो। यहाँ पर हम जिम का और भी सामान यहाँ से खरीद के अपने जिम के अंदर रख सकते हैं, पर अभी वो लेवल 3 पर सब चीज होने वाली है। इसको खाना दूं क्या, इसको खाना बाद में देंगे, अभी मैं फटाफट से अपने जिम पर चलते हैं। और गाइस सर यहाँ पर अपना सेकंड जिम, इसके जस्ट पास में खोलने के लिए हमें चाहिए $25,000, अभी मेरे पास सिर्फ 1600 है। यहाँ पर अपन डाल लेंगे खाना, और मैं पानी लाना भूल गया, इसके लिए खाना तो हमने दे दिया पर पानी देना बाकी है। तो फटाफट से यहाँ पर थोड़ा पानी भी खरीद लेते हैं और फटाफट से चलकर इसका पानी भी यहाँ पर डाल देते हैं। जिम अपना ओपन हो चुका है, कस्टमर अभी तक आ नहीं रहे, सुबह सुबह जिम करना जरूरी होता है, ये पता नहीं कोई आ क्यों नहीं रहा है। और ये यहाँ पर डन हो चुका है, तो इसको आराम से यहाँ पर अपन बिठा देते हैं, कुछ होने नहीं वाला है। एक क्या काम करते हैं, इसको अंदर बिठा दे, ओए अंदर आ, फटाफट से अंदर आ और इसको यहाँ पर अपन बिठा देंगे, चलो चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। और गाइस यहाँ पर अपना सबसे पहला आज का नया नया कस्टमर आ चुका है, इसको फटाफट से दे देते हैं इनका सामान। और गाइस यहाँ पे थोड़ा गंदगी भी हो चुकी है आते इनके, तो फटाफट से मैं आपको मिलता हूँ लेवल 3 कर। A few minutes later. और गाइस फाइनली हमारा जिम हो चुका है लेवल 3 का। और गाइस अब हम ये भी यहाँ पर खोल सकते, तो हैमर यहाँ पर लेंगे और इन सबको फोड़ डालेंगे। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा एरिया लगता है मिलने वाला है, फटाफट से इसको खोल देते हैं, खुल जा सिम सिम। और ये चूहे भी यहाँ से निकल चुके बाहर, और फटाफट से इसको खोल देते हैं, खुल जा जल्दी जल्दी। तो गाइस सर अभी हमें यहाँ पे सारा का सारा कचरा खाली करना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पर बना सकते हैं एक रेस्टोरेंट कैफे टाइप का, जहाँ पर हम सारा जिम का सामान रखेंगे, यहाँ से लोगों सामान खरीदेंगे और हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो फटाफट से यहाँ से सारा का सारा सामान उठाते हैं, और अभी यह आंटी भी यहाँ पर आ चुकी है, फटाफट से इनको देंगे, यहाँ पे कस्टमर आते जा रहे हैं, इनको इनको पहले फटाफट से मेंबरशिप देते हैं, स्टैंडर्ड मेंबरशिप इनको दे दी। अंकल आपको कौन सी चाहिए, महंगी वाली ले लो यार, क्या कर रहे हो, स्टैंडर्ड ही चाहिए इनको भी, चलो इनको भी हमने दे दी है। फटाफट से यहाँ पे सारा का सारा कचरा उठाकर बाहर फेंक देते हैं। और गाइस हम यहाँ पर विटामिन बार बाय कर सकते हैं $3,000 में, और हमने कर लिया इसको बाय। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें चाहिए प्रोटीन पाउडर और बहुत सारा वाटर, तो फटाफट से चलते हैं प्रोटीन पाउडर और वाटर खरीद कर लाते हैं, ताकि हम इससे भी बहुत सारा पैसा कमा पाए। तो यहाँ पर हमें लेंगे थोड़ी चिकन राइस लेने वाले हैं, तो बहुत सस्ती सस्ती है, ये फटाफट से ले लेते हैं सारी की सारी चिकन राइस, पूरा का पूरा खाली कर दूंगा इस स्टोर को। यहाँ पर हमने ये ले ली है, वाटर बॉटल्स भी हमें चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ी वाटर बॉटल्स भी ले लेंगे, ज्यादा महंगी है नहीं इसलिए ले लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर प्रोटीन पाउडर भी ले लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, और ये भी ले लेंगे थोड़ा, और ये क्या चीज है, सोडा भी ले लेते हैं, सोडा कौन पीता है जिम में पता नहीं, पर जितनी चीजें मैं तो सबकी सब लेने वाला। अच्छा यहाँ पर मैं डायरेक्ट ये भी ले सकता था, ये तो मैंने देखा नहीं, तो मैं इनको सीधा डब्बे उठा लेता हूँ यहाँ से, डब्बे उठा लो। और क्या नहीं लिया मैंने, इसका भी डब्बा उठा लेते हैं, और ये डन, लेट्स गो। फटाफट से चलते अपने जिम पे, सारा का सारा सामान रख दिया, और अपना कुत्ता देखो अभी आराम से सो रहा है, मर मर तो नहीं क्या, नहीं ये आराम से यहाँ पर सो ही रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सब लोग ऑर्डर करने आ चुके हैं, फटाफट से इसको पूरा का पूरा रख देंगे। इनको यहाँ पर चाहिए प्रोटीन शेक, तो आप
आप देख सकते हो अभी हमने यहाँ पर इनको भर दिया, ये लो एंटी प्रोटीन शेक, आप भी लो प्रोटीन शेक, बहुत ही बढ़िया प्रोटीन शेक है, महंगा महंगा प्रोटीन शेक। और यहाँ पर अभी हमें चिकन राइस बनानी है इस माइक्रोवेव के अंदर, इसको फटाफट से यहाँ पर रख देंगे। और यहाँ पर एक कस्टमर भी आ चुका है, तो गाइस धीरे धीरे हमारा काम बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बढ़ने वाला है, क्योंकि यार नई नई चीजें अनलॉक भी तो होती जा रही है। अब फटाफट से इसको भी यहाँ पर रिपेयर कर देते हैं, डन। और गाइस मेरे पास अभी भी $4,000 यहाँ पर है, और हम लेवल 3 पर भी आ चुके, मतलब हमारी नई नई चीजें भी यहाँ पर अनलॉक हो चुकी होगी। आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुकी है नई नई मशीन, यहाँ पर ट्रेडमिल आ चुकी है महंगी वाली, नया डंबल स्टैंड आ चुका है, और यहाँ पर नई नई मशीनें भी आ चुकी है। तो यहाँ पर हमें पहले नई मशीनें ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लेंगे, और ट्रेडमिल तो अभी हमारे पास है ही, थोड़ा पुराना है पर कोई बात नहीं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हमने अपनी बाकी की मशीनें भी यहाँ पर लगा दी, 1, 2, 3 और 4, चार चार नई मशीनें हमारे यहाँ पर लग चुकी हैं, और सारे लोग फुल स्पीड में जिम करते जा रहे हैं, यहाँ पर नए नए कस्टमर्स भी आते जा रहे हैं। तो गाइस आज हमने बहुत ही ज्यादा मेहनत कर ली इस जिम को बनाने के लिए, और मेरे पास अभी $4,000 है, तो मैं अपने लिए यहाँ पर लगाने वाला हूँ एक और एड लगाओ या फिर टीवी, फटाफट से कमेंट करके आप बता देना। तो गाइस अभी मेरे पास यहाँ पर $4,000 है, उससे हम लगाने वाले अपने लिए और भी एड्स, हमारी एड वाली लगी वो वाली भी एड यहाँ पर हट चुकी है, क्योंकि गाइस सिर्फ 10 घंटे के लिए एड लगती है। तो फटाफट से यहाँ पर अपने लगा देते हैं बढ़िया सी एड, $3,000 में हमारी एड लग चुकी है, शकुनी मामा जिम में आइए और जिम करिए। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये हमारा खतरनाक सा शकुनी मामा जिम, और वहां पर लोग सामान मांग रहे, मैं तो देखा भी नहीं। इनको यहाँ पर फटाफट से दे देते चिकन राइस, और इनको भी दे देंगे यहाँ पर थोड़ी सी चिकन राइस। 2 मिनट आंटी रुक जाओ, बस बन रही है आपकी चिकन राइस, और यहाँ पर ये डन होने वाली है, और ये डन, ये लो। तो गाइस इसी के साथ आज के डे को करते यहाँ पर खत्म, बहुत ही बढ़िया जिम हमारा फुल स्पीड में चल रहा है। अगर आपको देखना है इसका अगला एपिसोड तो कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस ये था हमारा डे 5 ऑफ 30 डेज 30 गेम चैलेंज का, अगला गेम हम कौन सा खेले फटाफट से कमेंट करके बता देना। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।